नागपुर में दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ओमकार तलमले 111 बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ठगने के मामले में सामने आया है। उसने बेरोजगारों को नासा में नौकरी देने की बात कहकर ठगा है। इस मामले में नागपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसी जानकारी नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा दी गयी। आरोपी ने नागपुर में रिमोट सेंसिंग सेंटर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से 5,31,00,000 रुपए की ठगी की है। इस मामले में नागपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओंकार तलमले कर्ज में डूबा हुआ था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने नागपुर में दो व्यापारियों की हत्या की साजिश रची। 260 लोगों का ऐसा पता चला है, बट ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है। इस पे भी हम तपास करेंगे। मौका का भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ओमकार जो है मेन अक्यूज्ड है, उनके साथीदार बाकी के लोग हैं, बट मौका के तहत में ऑलरेडी चार्जशीट वगैरह जो है जाने चाहिए, उसका भी हम चेक कर रहे हैं। अगर मौका के लायक का केस है, यानी हम मौका अगर बिठा सकते हैं, तो 100% वील डू दैट। वर्धा पुलिस के अंडर में आरवी जो पुलिस स्टेशन है, उसमें एक अनआइडेंटिफाइड एंड हाईली डिकम्पोज्ड बॉडी जो है मिली है। उसका पीएम वर्धा के हॉस्पिटल में कल के दिन में हुआ है। प्रिलिमिनरी जो भी माहिती हमको मिल रही है, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमारे कुंडाली के जो डबल मर्डर के विक्टिम हैं निराला सिंह, उनकी ये बॉडी हो सकती है। बट बिकॉज अभी हम 100% श्योर होके एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं आइडेंटिटी, वी एज ए नागपुर रूरल पुलिस हैज रिक्वेस्टेड वर्धा पुलिस टू एक्सपीडाइट द मैटर विथ कलेक्शन ऑफ DNA एविडेंस एंड DNA सैम्पल्स वगैरह निकाल के फॉरेंसिक लेबोरेटरी में मैच किया जाएगा। एंड अगर ऐसा 100% निष्पन्न हो गया कि जो हमारे केस के विक्टिम है उन्हीं का ये बॉडी है, तो देन वी विल बी टेकिंग ओवर दैट केस। एज इन वो ईडी का जो तपास वर्धा पुलिस कर रही है, उसको हम अपने 302 में जोड़ देंगे। मेन आरोपी जो ओमकार है, उनके खिलाफ में काफ़ी एलिगेशंस जो है सामने आ रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी लोगों का फसवनुक किया है, ये दिलासा दिला के कि उनको नौकरी वगैरह दिलवाऊंगा करके, और उनसे काफ़ी लोगों से पैसे वगैरह निकाले हैं और वो पैसे जो है उनको लौटाया नहीं है। और क्योंकि काफ़ी उधारी में ओमकार चला गया था, तो इसी उधारी को चुकाने के लिए उसने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी करके पैसे जो है विक्टिम्स इनसे निकालने का इनका इसका कोशिश था, ऐसा हमारे सामने आया है। हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तपास कर रहे हैं, वी विल ऑल्सो लुक इन टू दिस एंगल, एंड अगर उसमें भी कुछ बैठता है फिर संबंधित सेक्शंस जो भी रहेंगे उसको भी ऐड करेंगे। यस, उस दिशा में भी तपास हमारा चालू है। ये नासा के फर्जी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने PhD वगैरह किया है, ऐसा भी करके काफ़ी लोगों को जो है उसने फंसाया है। एंड ऐसा भी हमारे ध्यान में आया है कि ही वॉज यूजिंग ए हाई एंड कार ऑल्सो, यानी फॉरेन ब्रांड के एक फोर व्हीलर भी यूज़ कर रहा था, ऐसे भी सामने आया है। सो वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द मेन अक्यूज्ड। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने कहा कि उनके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।